अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को जारी रखे हुए होंगे। वी यू एक्सीलेंस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस सेमेस्टर का परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, और उससे पहले जो क्राइटेरिया था वो भी डिस्कस करेंगे कि इससे पहले जो सेमेस्टर्स आपके चलते रहे हैं उसमें आपकी जो स्टडीज़ का सब्जेक्ट का परसेंटेज क्राइटेरिया क्या था। तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कोरोना वायरस के बाद जो नया क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी वालों ने जारी किया है उसमें क्या क्या शामिल है। जी स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कि आपका जो पहले क्राइटेरिया था सब्जेक्ट के हवाले से वो कितना था, कितनी परसेंटेज उसमें शामिल थी। उसके बाद हम बताएंगे कि नया जो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी वालों ने जारी किया है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले अच्छा जी, इसमें तीन चीज़ें शामिल थी। उसके बाद नाम जी आपका क्विज, GDP और आपका फाइनल टर्म। जी बेटा, अब ये इनकी परसेंटेज देख लेते हैं कि इनकी परसेंटेज पहले कितनी थी और उसके बाद हम देखेंगे कि अब इनकी परसेंटेज कितनी हो चुकी है। तो सबसे पहले आपका मिड टर्म होता था 35%, 35% आपका मिड शामिल होता था। 5% आपकी असाइनमेंट्स थी, 5% आपका क्विज था, 5% आपका GDP और फाइनल टर्म आपका होता था 50%। यानी कि कुल मिला के ये बनता है 100%। जी बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिड टर्म आपका होता था 35%, असाइनमेंट्स 5%, क्विज होता था 5%, GDP 5% और फाइनल टर्म मिला के ये कुल 50% और ओवरऑल हो जाता है 100%। ये पहले के सूरत हाल थी कोरोना वायरस के आने से, पहले की जो सिचुएशन थी उसमें ऐसी कुछ डिवीजन थी आपके मार्क्स की। अब जो है वो इसमें जो चेंज आया है शेड्यूल कुछ चेंज किया है यूनिवर्सिटी वालों ने। अब जी ग्रैंड क्विज आ गए, उसके बाद जनाब जी क्विज आपके आपकी असाइनमेंट्स हैं, और उसके बाद जनाब जी GDP और आपका फाइनल। अच्छा जी, आप देखते हैं कि इनकी कितनी परसेंटेजेस आपके इसमें शामिल हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये कितने कितने परसेंट में आपके पास यहाँ पे शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका ग्रैंड क्विज 15% में आएगा। नेक्स्ट जी आपका क्विज है यहाँ पे 10%, आपकी असाइनमेंट्स 5%, GDP भी 5%, और बेटा फाइनल टर्म में अब जो आपके परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई है। पहले आपने देखा फाइनल था 50 का, अब आपका फाइनल हो गया है 65 का। कंपैरिजन आप देख लें, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। मिड टर्म 35 था, तो मिड टर्म की जगह पे क्या आ गया आपका ग्रैंड क्विज। मिड टर्म को रिप्लेस किया ग्रैंड क्विज ने, असाइनमेंट्स आपकी वैसे चल रही हैं, क्विज आपका पहले 5% इसमें इंक्लूड था अब 10% है, GDP वैसे ही 5%, पर जो फाइनल टर्म था वो पहले 50 था अब वो कितना हो गया है 65% हो गया है। यानी कि आप ये बच्चे कुछ सोच रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो चुके हैं तो इसमें अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, तो बेटा मसला ज़्यादा हो सकता है। अगर आप देखें तो दो चीज़ें मेजर आ गई आपके पास, ग्रैंड क्विज और आपका फाइनल। आप देख लें कि 15 ये और 65 ये, टोटल 80% जो आपके सब्जेक्ट का है वो इन दो चीज़ों पर अब मुश्तमिल है। यानी कि इन दो चीज़ों को अगर आपने किसी एक को भी स्किप कर दिया तो आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो बेटा ये कुछ चेंजेस थी जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी थी ताकि आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखें, तैयार रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप हाजिर होंगे नई कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए सवालात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।